बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। हम चैप्टर कर रहे हैं द सेवियर ऑफ द मैनकाइंड, इसकी हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान मौजूद नहीं है, हम उस ज़माने में पैदा हुए हैं, हम अपने नबी को मानते हैं, उन पर ईमान रखते हैं। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, मैं तुम में दो चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ, अगर तुम उन्हें मजबूती से थामे रखोगे तो कभी गुमराह नहीं होगे, एक कुरान मजीद, दूसरी मेरी सुन्नत। तो हमें चाहिए कि हम कुरान मजीद को तर्जमे के साथ पढ़ें समझकर, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो काम किया उसको वैसे ही करें ताकि हम अपनी दुनिया भी अच्छी कर सकें और आखिरत भी। तो हम पढ़ रहे थे एफिक्सेशन। एफिक्सेशन जो है उसमें नए लफ्ज़ बनते हैं और एक रूट वर्ड होता है, उससे जो पहले पार्ट लगाते हैं उसे प्रीफिक्स कहते हैं और जो एंड में आता है उसे सफिक्स कहते हैं। यानी प्रीफिक्स प्लस वर्ड इज़ इक्वल टू न्यू वर्ड भी एफिक्सेशन है, और बेस वर्ड उसके बाद जो आखिर में पोर्शन लगता है उसे सफिक्स कहते हैं, ये भी एफिक्सेशन है। तो कॉन्शियस कहते हैं शऊर को, बाखबर, जो अपने इर्द गिर्द से बाखबर हो, अगर खुदा ना खास्ता कोई चोट लगे, कोई वजह हो, तो लोग अनकॉन्शियस हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, उन्हें इर्द गिर्द की कोई ख़बर नहीं होती। तो अन जो है वो प्रीफिक्स लगा कॉन्शियस से पहले और एक नया वर्ड बन गया। तो अगर कोई अनकॉन्शियस हो जाए तो उसे फ़र्स्ट एड देते हैं, तो इसको इब्तदाई तिबी इमदाद भी कहते हैं उर्दू में। चेक करें मरीज़ सांस ले रहा है, यानी उसकी जो है वो छाती ऊपर नीचे हो रही है, मरीज़ को करवट के बाल लटा दें, अगर आप अकेला नहीं कर सकते तो हेल्प ले लें, और फिर एम्बुलेंस सर्विस को कॉल करें ताकि डॉक्टर आकर इसका इलाज कर सके। अगर कोई ऐसा हादसा हो जाए जहाँ पे मरीज़ हों तो आपको वहाँ पे जमा नहीं होना चाहिए, इस तरह मुश्किल होती है। फॉर्चून कहते हैं किस्मत को, दौलत को, अगर किसी को बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ मनी मिल जाए, और मिस फॉर्चून बैड लक, बदकिस्मती, जैसे मैन होल का ढक्कन खुलाओ कोई गलती से उसमें गिर जाए, तो इसमें मिस जो है वो प्रीफिक्स है, मिस फॉर्चून खुशकिस्मती से बदकिस्मती में बदल गई। काइंड कहते हैं नरम दिल को, और इसका रहम दिली का इजहार करना कहते हैं काइंडनेस, ये हमेशा हमारे से शुरू होती है, किसी को गिरते हुए को थाम लेना, रास्ते में से जो है पत्थर हटा देना, तो इसमें नेस जो है वो सफिक्स है काइंडनेस। इसी तरह केयर कहते हैं देखभाल करना, बूढ़ों की देखभाल करना, उसमें पैसा भी वक्त भी उनका ख्याल रखना, और केयरलेस लैक ऑफ अटेंशन, लापरवाह, तो केयरलेसनेस की वजह से हादसा तो होते हैं कि देखा नहीं कि लाइट ऑन है या ऑफ है, सिग्नल क्रॉस कर लिया, तो लेस जो है ये सफिक्स है, हमने केयर के साथ लेस लगा दिया। इसी तरह पोस्टपोन, पोस्टपोन कहते हैं मुलतवी करना, यानी कि 19 फरवरी को जो इवेंट था वो 12 मार्च को चला गया, तो हमने इसको कहा पोस्टपोन हो गया बाद में, और पोस्टपोनमेंट इल्तवा का ऐलान, एक्शन ऑफ पोस्टपोनिंग समथिंग। अब इसमें आप देखें कि रूट वर्ड पोन है, रूट और बेस वर्ड, और पोस्ट जो है वो प्रीफिक्स है, और जब हमने इसके आगे मेंट लगाया पोस्टपोनमेंट तो ये सफिक्स है। तो इस तरह से देखें कि रूट वर्ड एक होता है, और एडजस्ट, एडजस्ट कहते हैं मुताबिक, आपने कभी जो है वो पेच को कसा होगा, और एडजस्टमेंट कहते हैं इट इज़ अ प्रोसेस, नई सिचुएशन के मुताबिक मुताबकत पैदा करना, एडजस्टमेंट जो है सफिक्स। इसी तरह ट्रीट, गिव मेडिकल केयर और अटेंशन टू ट्राई टू हील और क्योर, जैसे हम कहते हैं हमने ट्रीट लेनी है, अटेंशन भी इलाज भी, और ट्रीटमेंट जो है इलाज मुआवजा, मेडिकल केयर गिवन टू अ पेशेंट फॉर एन इलनेस और इंजरी, और इसमें मेंट जो है वो सफिक्स है। इसी तरह मीनिंग का मतलब है मानी, व्हाट इज़ मेंट बाय अ वर्ड, टेक्स्ट, कॉन्सेप्ट और एक्शन, तो कॉन्सेप्ट भी हो सकता है, वर्ड भी हो सकता है, कोई तस्वीर भी हो सकती है,
तो मानी, तो मीनिंगफुल का होता है बा मानी, मानी फेस बा मकसद, इम्पोर्टेंट। प्यारे बच्चों, हमें अपनी लाइफ को मीनिंगफुल बनाना चाहिए, हमें ये पता होना चाहिए हमारा ज़िंदा रहने का मकसद क्या है, इस दुनिया में हम किस लिए आए हैं, और ये बातें हमें कुरान मजीद बताता है, उसे तर्जुमे से पढ़ें। तो इसमें फुल जो है वो सफिक्स है। इसी तरह हार्ड कहते हैं सॉलिड, फर्म, सख्त चीज़ को, जैसे पत्थर है जो तोड़ी ना जा सके। लेकिन अगर हम इसके बाद में शिप लगाएंगे हार्डशिप, तो इसका मतलब है सीवियर सफरिंग, मुश्किलात। तो शिप जो है वो सफिक्स है। इसी तरह एक लफ्ज़ है फ्रेंड, फ्रेंड कहते हैं कंपेनियन को, दोस्त को, साथी को, और अगर हम इसके साथ शिप लगा दें तो ये बन जाएगा फ्रेंडशिप। ये एक रिलेशनशिप है बिटवीन फ्रेंड्स। तो फ्रेंडशिप में शिप जो है वो सफिक्स है और रूट वर्ड जो है वो फ्रेंड है। इसी तरह फॉन्ड, फॉन्ड कहते हैं हैविंग एन अफेक्शन, शौक, किसी चीज़ का भी शौक हो सकता है। फॉन्डनेस, लव, इश्तियाक, फॉन्ड से फॉन्डनेस एक रिलेशनशिप बन गया, और इसमें नेस जो है वो सफिक्स है। इसी तरह हैप्पी, हैप्पी फीलिंग है, जो हम जब दिल में खुशी महसूस करते हैं तो हमारे चेहरे से जाहिर होती है। और हैप्पीनेस द स्टेट ऑफ बीइंग हैप्पी, यानी वो कैफियत है जो हमें हैप्पी होने की वजह से दूसरों को नज़र आती है, हैप्पीनेस। इसमें नेस जो है वो सफिक्स है। इसी तरह कंफर्ट कहते हैं आफियत को, अ स्टेट ऑफ फिज़िकल ईज एंड फ्रीडम फ्रॉम पेन, किसी को कोई तकलीफ़ ना हो। और कंफर्टेबल कहते हैं आरामदेह, जैसे फर्नीचर हो गया, कपड़े हो गया, हम कहते हैं दे आर कंफर्टेबल। तो एबल जो है वो सफिक्स है। तो अब आपके लिए ये छोटी सी एक्सरसाइज है, कॉपी पेंसिल लें, ये सेंटर में रूट वर्ड्स लिखे हुए हैं और कुछ एग्जांपल में प्रीफिक्स दिए हुए हैं, सफिक्स दिए हुए हैं, आप इनको खुद से ट्राई करें कि कुछ नए वर्ड बनाएं एडिंग प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस। उम्मीद है आपको आज का लेसन पसंद आया होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और